Hello students, let's see this question. A beam of light converges at a point P. Now a lens is placed in the path of a convergent beam 12 cm from P. At what point does the beam converge if a lens is pehle part ke andar convex lens of focal length 20 cm and second part a concave lens of focal length 16 cm. So basically आपके पास एक converging beam है, let's suppose एक converging beam है इस तरीके से, and अगर converging beam है तो कहीं जाके converge भी कर रही होगी, so let's suppose ये इस तरीके से यहाँ पर converge कर रही थी, ठीक है, अभी P point पर. Now यहाँ पर उसने बोला है कि आपने lens रखा है convergent beam से 12 cm पर, so let's suppose कि आपने क्या करा, बीच में कैसे करके lens रख दिया, ठीक है, यहाँ पर एक lens रख दिया, ठीक है, this is the lens. Now, पहली बार ये लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर एंड दूसरी बार में फोकल लेंथ है 16 सेंटीमीटर किसकी, एक कॉनकेव लेंस की. सो एक एक करके पार्ट को सॉल्व करते हैं. पार्ट ए के अंदर क्या है, हमारे पास है कॉन्वेक्स लेंस, एंड अगर कॉन्वेक्स लेंस है सो इसके लिए जो आपका फोकल लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, दैट इज प्लस 20 सेंटीमीटर. क्लियर. नाउ अब ये जो पॉइंट पी जहां पर ये मर्ज कर रही थी, कन्वर्ज कर रही थी, इट विल एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इट विल एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इसकी तरह मान सकते हैं इसको. अगर ऐसा है तो सोचो कि अगर ये यहां से 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, यहां से 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, सो यू कितना हो जाएगा, यू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर. सो अप्लाई लेंस फॉर्मूला, सो यू विल गेट 1/v माइनस 1/12 and this will be equal to 1/20 from lens formula. So यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1/v, this will be equal to 1/12 plus 1/20. So LCM कितना आ जाएगा 20 और 12 का, ये आ जाएगा 60 and ये हो जाएगा 5 and यहाँ पर आ जाएगा 3 and this is 1/v. So ये हो जाएगा कितना, v will be equal to 60/8, so 4 से कैंसिल कर दो तो ये आ जाएगा 15/2, that is 7.5 सेंटीमीटर. सो लाइट रेज जो है अब वो कहां पे कन्वर्ज करेंगे, दे विल कन्वर्ज 7.5 सेंटीमीटर पर. क्लियर. नाउ सेकेंड पार्ट में हमने क्या किया है, कॉनकेव लेंस लगाया है. सो फॉर अ कॉनकेव लेंस, सेकेंड पार्ट हमारे पास है कॉनकेव लेंस, एंड कॉनकेव लेंस के लिए जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है. क्या होती है, नेगेटिव होती है. सो एफ विल बी इक्वल टू माइनस 16 सेंटीमीटर. सो क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f. यू सेम रहेगा कितना, डेट इज 12. सो ये आ जाएगा 1/v माइनस 1/12, दिस विल बी इक्वल टू 1/-16. सो यहां से आपको मिलेगा 1/v, this will be equal to 1/12 minus 1/16. तो LCM कितना आ जाएगा, यहाँ पर LCM आ जाएगा इसका 48 and ये हो जाएगा 4 minus 3 and this is your 1/v. So v कितना आ जाएगा, v आ जाएगा 48/1, that is 48 सेंटीमीटर. So beam अब कितना कहाँ मर्ज होगी, beam मर्ज होगी आपकी अब 48 सेंटीमीटर पर. Clear? So I hope you understand the question well. Thank you.